औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत नंगल स्थित सिद्धि विनायक सरिया उद्योग में बाहरी राज्यों से चोरी छिपे ट्रक में कामगारों को लाने का मामला सामने आया है। उद्योग प्रबंधन द्वारा लॉकडाउन में कर्फ्यू के बीच बिना अनुमति 21 कामगारों को दिल्ली से फैक्ट्री में ट्रक में छुपाकर लाया गया था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो नालागढ़ पुलिस ने उद्योग में दबिश देकर मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने जिला दंडाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के चलते उद्योग प्रबंधन और ठेकेदार के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं उद्योग को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नंगल स्थित सिद्धि विनायक सरिया उद्योग में यूपी बिहार के 21 कामगारों को दिल्ली रेड जोन से दो ट्रकों में छिपाकर दो दिन पहले लाया गया था। ये सभी कामगार उद्योग के भीतर ही अन्य कामगारों के साथ काम कर रहे थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उसके बाद उद्योग में दबिश दी गई। सर, हमारा नालागढ़ के नंगल एरिया में एक सिद्धि विनायक कंपनी है जहाँ पे सरिया बनने का काम होता है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आई थी हमारे पास कि इस फैक्ट्री में जो है लेबर बाहरले स्टेट से यूपी और बिहार से आए हैं और वो विदाउट परमिशन, भाई जो प्रशासन के जो बिना अनुमति के यहाँ पे आके उन्होंने फैक्ट्री प्रीमिसेस में वो एंटर हुए हैं। तो इसी चीज़ के लिए हमने जब वेरिफिकेशन उसका करवाया था तो एक हमारे जो ड्यूटी के ऑफिसर थे वहाँ पे गए, उन्होंने जाके पता किया तो वहाँ पे टोटल 21 लोग जो थे वहाँ पे बाहर से आना पाए गए। 14 लोग जो है वो उत्तर प्रदेश से है और 7 लोग बिहार से। फिर भी अभी उनकी वेरिफिकेशन जो है अभी वो की जा रही है और इसी के लिए आगे वो किसकी परमिशन से आए, कहाँ से उन्होंने एंट्री किया, उन्होंने परमिशन इस बारे में लिया है नहीं लिया है, उसी चीज़ को वेरीफाई करके आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन अमल में लगा दी थी। ये इनका पता लगा था कि 10 और 11 तारीख को ये ट्रकों में जो ये लेबर थी वो ये यहाँ पे लोकल नालागढ़ एरिया में एंटर हुए थे जी। तो और इसमें जो है अभी केस रजिस्टर इसमें हो चुका है, हमारी FIR लॉन्च हो चुकी है और जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन है ये कहाँ से आए, कौन ठेकेदार इसमें इनको लेके आए, फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनके नॉलेज में ये बात थी नहीं थी, वो सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे उनको वेरीफाई कर रहे हैं। इन सभी बंदों को वहाँ पे हमने फैक्ट्री में ही अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनका जो मैनेजमेंट है उनको इस बारे में बोला है कि इनको क्वारंटाइन वहीं फैक्ट्री प्रीमिसेस में रखा जाए, ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था इनकी सब वहीं पे की जाए। जो नाइट शिफ्ट थी वहाँ फैक्ट्री की उसको भी इन्होंने बोला है कि जो वर्कर्स इनसे अभी तक नहीं मिले हैं नाइट शिफ्ट वाले बिल्कुल इनसे अलग रखे जाए बंदे। जो ये जो लेबर जो बाहर से आई है 21 बंदे जो बाहर से आए हैं, जब तक इनकी सैम्पलिंग और इनके टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के लिए इनको अलग से रखे और उसके बाद जैसे सैम्पलिंग की रिपोर्ट आएगी वैसे फिर। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।